हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। सो गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। एंड अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज डू सब्सक्राइबिंग माई चैनल। सो गाइज, जोहो ने आप लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ी ऑफ कैंपस रिक्रूटमेंट ड्राइव लेकर आई हुई है, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी होने वाली है। अगर आप भी किसी जॉब की तलाश में हैं तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखना। अगर आपने बीई और बीटेक किया हुआ है और आप किसी भी जॉब की तलाश में हैं, और आपको अगर आप फ्रेशर हैं या एक्सपीरियंस है, दोनों लोगों के लिए ये रिक्रूटमेंट आई हुई है। अब मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कब तक आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं, कब तक आपका कॉल आएगा एग्ज़ाम के लिए, कब तक आपका हर एक चीज़ असेसमेंट होने वाला, हर चीज़ आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखना ताकि आपको अच्छे से पता चल सके, जो कि अगर ये आपको अगर मिस कर देंगे तो आप लोगों के लिए ही प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है। जिस हिसाब से आजकल कंपनियां नहीं आ रही हैं हायरिंग के लिए, उसको देखा जाए तो उस हिसाब से बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो चलिएगा, इस वीडियो का स्टार्ट करते हैं। जोहो ने जो कैंपस रिक्रूटमेंट ड्राइव निकाला हुआ है, ये सॉफ्टवेयर डेवलपर का होने वाला है, जिसमें कि उनको क्या क्या स्किल्स चाहिए वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। आप स्क्रीन पर देखिए, आपको स्किल में उन्होंने मांगा हुआ, आपको C++ आना चाहिए और C आना चाहिए और जावा आना चाहिए। ये तीन जो स्किल हैं आपको, C++ एंड जावा, ये तीनों स्किल आपके अंदर होना चाहिए अगर आप इस कैंपस रिक्रूटमेंट ड्राइव के लिए बैठते हैं। इसके अलावा आपको एक्सपीरियंस 0 से लेके 3 साल की होनी चाहिए। अगर आप फ्रेशर हैं या 1 साल हो गए, 2 साल, 3 साल तक आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इसके अलावा गाइज, आपको सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो मैं आपको बताने वाला हूँ, जो कि इनका जो रिटर्न टेस्ट होने वाला है वो 9 सितंबर को होने वाला है, इसी 9 सितंबर को। और आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, 7 सितंबर तक फॉर्म को फिल करेंगे 4 बजे तक। तो गाइज, ये चीज़ नोट कर लीजिए कि आप 7 सितंबर तक ही फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और इन्होंने ये बोला हुआ है कि कॉल लेटर विल बी सेंड ऑन और बिफोर 8 PM ऑन 7 सितंबर। तो आपको 7 सितंबर को 8 बजे से पहले आपको कॉल आ जाएगा, तो आप लोग कॉल लेटर के लिए वेट करेंगे अगर फॉर्म फिल कर दिया तो। और उन्होंने जॉब डिस्क्रिप्शन में क्या क्या चीज़ें मांगा हुआ है, ये जॉब डिस्क्रिप्शन है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। वहाँ से आप लोग एक एक चीज़ पढ़ लीजिएगा कि इसमें क्या क्या जॉब डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। इसके अलावा गाइस, आपको नोट करने वाली बात यह है कि अगर 2024 बैच के आप हैं, अगर आप किसी भी कंपनी की क्लास में हैं, तो ये आप लोग के लिए एप्लीकेबल नहीं है। 2024 के लिए बिल्कुल एप्लीकेबल नहीं है ये, तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। इसके अलावा इसमें आपको दिया हुआ है रजिस्ट्रेशन फॉर्म दिया हुआ है, यहाँ से अपना नाम वगैरह हर चीज़ भर लेंगे। आपको फॉर्म नाम वगैरह सब चीज़ भरने के बाद, आपको अगर आप किसी कंपनी में जॉब वगैरह करते हैं तो अपना CTC जो भी है वो चीज़ आप भर देंगे। आप नोटिस पीरियड में वो चीज़ बता देंगे, अगर नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल इसमें फिल कर देंगे। और एक्सपीरियंस में आप देखिए, अगर एक्सपीरियंस आपके पास फ्रेशर है या जो भी 1 साल 2 साल 3 साल, ये आप उसमें भर सकते हैं। आप अगर किसी जॉब में हैं तो CTC क्या है आपको भर सकते हैं, नोटिस पीरियड, ये हर चीज़ आप भर सकते हैं, एक एक भरना है आपको। और आपको रेज्यूमे यहाँ पर अपलोड करना है, तो ब्राउज में जाके जहाँ भी अपना रेज्यूमे रखे होंगे वो वहाँ से अपलोड कर दीजिए, उसके बाद सबमिट कर दीजिएगा। जब ये आप सबमिट कर देंगे तो आपके आपका जो रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाएगा, और आपको 7 सितंबर तक आपको 8 बजे से पहले एक कॉल लेटर आएगा, जिसमें वो हर चीज़ बताएंगे कि आपको एग्ज़ाम कैसे देना है, और आपका एग्ज़ाम 9 सितंबर को होने वाला है। तो गाइज, ये जो आया हुआ है रिक्रूटमेंट ड्राइव के लिए, आप लोगों के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी, तो मैंने सोचा आप लोगों को बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर मिस कर देंगे बहुत कुछ मिस कर सकते हैं। तो गाइज, यही था, मैंने सोचा आप लोग बता दूं। और जो हो बहुत अच्छी कंपनी है, इसकी ऑफिस साउथ साइड में है, तो आप लोग फॉर्म को भरें और ज़रूर इनके ऑफ कैंपस ड्राइव जो निकाले हुए हैं इसमें आपको बैठने चाहिए, क्योंकि अगर बैठेंगे तभी आपको चांसेस हैं आपको कि इसमें जॉब लग सकती है, अगर अच्छे से असेसमेंट वगैरह हो गया तो। तो चलिए गाइज, हम इसके साथ यहीं पर इस वीडियो को बंद करते हैं, और आगे फिर से ना आपको दूसरे कंपनी की एक और अपॉर्चुनिटी आई हुई है मेरे पास, आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए गाइज, फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।